हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन बने कुछ खास रिकॉर्ड्स और इस मैच से जुड़ी हुई कुछ खास घटनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, ओवल में इंग्लिश पेस अटैक को लीड कर रहे जेम्स एंडरसन के जज्बे की आर तारीफ हो रही है। उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनकी पैंट पर घुटने के पास खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। फैंस ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और आश्चर्य जाहिर किया है कि खून निकलने के बाद भी एंडरसन बॉलिंग करते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब कोहली और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर थे। एंडरसन ने कोहली पर दबाव बनाया और चेतेश्वर पुजारा का विकेट भी लिया। भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में 31 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक है। ठाकुर ने इंग्लैंड के पेसर ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इससे पहले कपिल देव ने भारत की तरफ से 30 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेटर्स बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। इस पर सबके मन में ये सवाल था कि आखिर भारतीय क्रिकेटर्स ने बांह पर काली पट्टी क्यों बांध रखी थी। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि टीम ने काली पट्टी बांधकर पूर्व क्रिकेटर, कोच और मेंटर वासुदेव परांजपे को श्रद्धांजलि दी, जिनका सोमवार को निधन हुआ था। आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स के मेंटर भी रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अब विराट कोहली 490 पारियों में सबसे तेज 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 522 पारियों में 23,000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। पिछले साल नवंबर में कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। इंग्लैंड के खिलाफ इस चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में अश्विन को न रखने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंग्लैंड में स्पिन के लिए सबसे अनुकूल मैदान यानी कि ओवल पर अश्विन को फिर टीम से बाहर बैठा दिया गया। शशि थरूर के मुताबिक 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाजों की अगर बात करें तो उनमें अश्विन का नाम पहला या दूसरा आता है।